हाई एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू द इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज एज यू ऑल नो दैट वी हैव कम्पलीटेड अवर आर्टिकल्स एज वेल एज प्रपोजिशन इन दिस लेक्चर सीरीज आई हैव टेकन यूर टेस्ट ऑल्सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू हू हैव डन वेरी वेल इन देयर टेस्ट एंड आई विश यू ऑल सक्सेस सो टूडेज टॉपिक इज वर्ड लेट मी जस्ट टेल यू दैट इफ़ यू आर नॉट सो एफिशियंट इन ग्रामर यू विल हैव लिटल बिट ऑफ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द वर्ब बेस्ड एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी वर्ब बेस्ड एक्सरसाइज उसको सॉल्व करने के लिए बट आपको वरी नहीं करना है वी आर हेयर टू हेल्प यू मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा वर्क बेस्ड एक्सरसाइज करने से पहले ठीक है आपको वर्ब बेस्ड एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा उन उन लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा जो थोड़े से वीक है इंग्लिश में जिन्हों जिनके कॉन्सेप्ट्स अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी तक इतने क्लियर नहीं है उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा देखो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या मैंशन किया है वर्ब टेंसेस एज वेल एज टाइम यानी कि वर्ब करने के लिए आप लोगों के पास दो तीन चीज़ों का होल्ड बहुत अच्छे से होना चाहिए जो टाइप ऑफ कंप्लीशन ऑफ टॉपिक है वो सेम रहेगा आई एल ब्रिंक लेड नॉट टू वरी यू कैन आस्क याउट्स और उसके बाद आप लोग भी हो जाएंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आपको बता दू की अगर आपको एफिशियंट होना है वर्ब में यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ टेंसेस आपको टेंसेस के नॉलेज होने चाहिए जो टुडेज लेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू नो लिटिल बिट अबाउट टेंसेस अगर नहीं भी इतना पता है तो थोड़ी सी रिविजन मैं आपकी करवा दूंगी लेटर ऑन यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड वीडियोज़ ऑन द टेंसेस एज वेल जेके एस एस बी क्लास फोर्थ वालों को मैं बता दूँ कि आप लोग का मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है आप लोग हमारे चैनल पर जेके एस एस बी इंग्लिश की प्ले लिस्ट पर या जेके बैक इंग्लिश की प्ले लिस्ट में टॉपिक्स को जो आपके अभी तक आपको लगता है कि कवर नहीं हुए हैं जैसे कि आर है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उस पर वीडियोज़ जो हैं वो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट ऑलरेडी हैं आप उनको देख सकते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी एंटोनियम्स सिनोनियम्स आपके कवर हो रहे हैं उसके बाद आपके बाकी के टॉपिक्स भी हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है वर्ब की जहाँ मैं आपको बात बता दूं मैंने आपको बता दिया कि आपके टेंसेस का आपको नॉलेज होना चाहिए वो मैं आपको आज रिवाइज भी करवा दूंगी थोड़ा बहुत लेकिन आप लोग को मेरे साथ एक प्रॉमिस करना है और आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है वो यही है कि आप थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब कम से कम हंड्रेड थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोग जो है वो रीड या स्टडी करके आएंगे देखिए अगर आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं पता होंगे देखिए थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपका आ जाता है प्रेजेंट सिंपल पास्ट और पार्ट पास्टिबल ठीक है पास्ट पार्टिसिपल अगर आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं पता है जैसे मैंने आपको बता दिया कि डू है अगर प्रेजेंट टेंस डू है तो उसका सिंपल पास्ट है डिड ठीक है और पास्ट पार्टिसिपल है डन ठीक है अगर आपको ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता ही नहीं है तो अगर आपको टेंसेस का नॉलेज भी होगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे देखिए वर्ब एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है इसमें आप लोगों को एक तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना आना चाहिए उसके साथ साथ आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको आने चाहिए उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आना चाहिए मैं आप लोग को बता दूँ कि आपका मैं हर टॉपिक हर तरह के क्वेश्चन से आपको फेमिलियर करवा दूंगी यू नीड नॉट टू वरी लेकिन इतना सा होमवर्क आपको करना है अगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह के थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंपॉर्टेंट है यू डू मैंशन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू आर इफ यू नीड सम ऑफ द वर्ड्स जैसे 50 टू 100 वर्ड्स आई कैन प्रोवाइड द पी डी एफ डोंट वरी हम लोग चैनल पे पी जो जेके लेटेस्ट इन्फो की वेबसाइट है उस पर पी भी अपलोड कर देंगे थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जस्ट मैंशन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड द सेम ठीक है उसके बाद मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको चाहिए ठीक है इस पर भी मैं अलग से आपको एक वीडियो दे दूंगी और ऑलरेडी मैंने जे के जे एंड के बैंक इंग्लिश में जो एरर एरर्स बेस्ड वीडियोस बनाई हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड एरर्स करवाए हैं जिसमें मैक्सिमम रूल्स में कवर कर चुकी हूँ आप वो भी देख सकते हैं अगर नहीं आपको वहाँ पर देखना है तो डोंट वरी आई एल ब्रिंग अनदर लेक्चर ऑन द सेम ठीक है उसके बाद आपको मॉडल्स का नॉलेज होना चाहिए ठीक है कैन कूड आपको पता है ना मे माइट ये मॉडल्स होते हैं जो दूसरे वर्ब के साथ हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एनी आइडिया दैट आइडिया कैन बी अ पॉसिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपल्शन तो ये फोर आपके बेसिकली क्या है लेडर स्टेप्स हैं टू बी एफिशिएंट इन वर्ब वर्ब बेस्ड एक्सरसाइज करने के लिए टेंसेस तो आने चाहिए थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आने चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए और मॉडल्स का भी नॉलेज होना चाहिए आपको घबराना नहीं है आई विल ब्रिंग लेक्चर्स ऑन द सेम डोंट वरी ठीक है चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ जैसे मैंने आपको बता दिया था कि मैं थोड़े से टेंसेस रिवाइज uh, करवाना चाहूंगी डोंट आई विल नॉट ड मच इन टू द टेंसेज जस्ट फॉर द फैक्ट दैट इफ आई स्पेंड मोर टाइम हियर देन आई वोंट बी एबल टू टीच वेरी एफिशिएंटली द वर्ब्स ठीक है टेंसेस आपको होमवर्क में रिवाइज करके आना है और अगर आपको नहीं समझ में आता है डू मैंशन द कॉमेंट सेक्शन टेंसेज पर भी वीडियो आ जाएगी बट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडरिंग जेके एस एस बी क्लास फोर्थ आपका वहां पर वर्ब एज इट इज द सिलेबस लेकिन वर्ब का मतलब ये हो गया उसके साथ साथ टेंसेस और आपके जो मॉडल्स हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो उसके अंडर ही अंडर द ब्रॉडर सब हेडिंग आ जाता है अगर मैं प्रेजेंट टेंस के रूल्स की बात करूं हम लोग को मालूम है कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैसे ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीस टेंस सिमिलर इज द केस विथ पास्ट एंड सिमिलर इज द केस विद फ्यूचर वहां पे आप लोग को इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आता है देखो हम लोग को मालूम है एक सब्जेक्ट रहता है एक ऑब्जेक्ट रहता है अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और सिंपल फ्यूचर हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं

डेली तो यहां पर आपने एस यूज किया देर आर सर्टन वर्ड जिसके साथ आपको ई एस यूज करना पड़ता है जैसे कैरी है तो आपको कैरी के लास्ट में वाई जो कॉन्सटेंट साउंड है उसको ओमिट करके आई ई एस यूज करना पड़ता है अगर वहां पर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो प्रोरल सब्जेक्ट हो तो आपको ई e या ई एस यूज नहीं करना होता है एज इट इज आपको वर् वहां पर मैंशन कर देना होता है उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूस टेंस रहता है आपको पता है कि वहां पर आपको इज एम वास वर यूज करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द टेंस अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप इज एम आर यूज करते हैं और उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस आई यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं पे कंफ्यूज मत होइए मैंने बेसिक रूल लिखा है आपको मालूम है कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर जो है वो यूज करना है अगर सब्जेक्ट है तो आपको आर यूज करना है इट्स जस्ट फॉर द रिविजन सेक यू कैन रिविजिट एनी काइंड ऑफ यू नो एनी काइंड ऑफ बुक इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ बुक आप उसको विजिट कर सकते हैं जस्ट टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ टेंसेज परफेक्ट टेंस में आपको मालूम है कि आपको हैज़ हैव यूज़ करना है साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है चाहे वो पास्ट टेंस हो चाहे वो फ्यूचर टेंस हो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना होता है जब भी आपको पता चल गया कि कोई सेंटेंस जो है वो परफेक्ट टेंस में है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में आपको मालूम है कि आपको हैज़ हैव के साथ साथ बीन प्लस वो आपका फर्स्ट फॉर्म यूज करना है जिसके साथ आपको आई एन जी यूज़ करना है बिकॉज कॉन्टीन्यूस टेंस है ऑब्जेक्ट है और उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया आपका सिंस या फॉर जिसका यूसेज मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रेपोजिशन में और साथ साथ में जो भी टाइम आपका मैंशनड हो वो यूज़ करना है तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की जो पहचान का तरीका है वो यही रहेगा कि वहाँ पर सिंस या फॉर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आई एन जी आएगा और साथ में आपका टाइम वहाँ पर मैंशन किया गया होगा सिमिलर आपको बता दिया कि पास्ट टेंस के रूल्स हैं आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है अगर सिंपल पास्ट है टिन्यूअस है तो वास और वर वो आपका का फर्स्ट फॉर्म और आई परफेक्ट टेंस किसी भी टेंस का होगा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है हैड यूज करना है पास्ट के केस में प्रेजेंट के केस में आपको हैस या हैव यूज करना है और कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैड साथ में बीन और साथ में टाइम मेंशन किया गया होगा ठीक है आप लोग यहाँ पर इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो हो जाइए कि मैम वर्ब करवा रहे हैं तो टेंसेज क्यों रिवाइज करवा रहे हैं सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए जिनको नॉलेज है वो लोग अभी वीडियो कॉन्टीन्यूसली देख सकते हैं जस्ट फॉर द फैक्ट कि उनको क्लियर हो जाएगा कि हमें कितना कितना करना है हाउ मच वर्क वी टू डू इफ यू वॉन्ट टू बी एफिशियंट इन वर्ब ठीक है अगर आप फ्यूचर टेंस की बात करें तो आपको मालूम है कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वील शॉल यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई एनजी कॉन्टिन्यूस में हम लोग विल बी या शाल बी यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको बता दूं कि मॉडर्न लैंग्वेज में हम लोग शाल को ऑब्सरिट मानते हैं यूज नहीं करते हैं उसकी जगह हम लोग विल यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ शाल तो विल शाल में इतना कंफ्यूज नहीं होना यू कैन कंसिडर दैट कि जहां पर भी आपको शाल यूज करना था आप वहां पर परमिशन है विल यूज़ करने की भी ठीक है परफेक्ट में आपको बता दिया कि विल हैव के साथ आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ब के कॉन्टेक्स में ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज होगा ये याद रखना है आपको और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको क्या जहां पर विल हैव और बींग होगा वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई के साथ यूज होगा सिंस और फोर आपका रहेगा एक हिंट की ये तर, जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है ठीक है तो बेसिक आपको क्या याद रखना है कि आपको मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा सिंपल पास्ट में सेकेंड और फ्यूचर में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा विल और शाल के साथ ठीक है एक तो ये आपको याद रखना है दूसरी चीज आपको याद रखनी कि अगर परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा चाहे वो सिंपल चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास परफेक्ट हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो के केस में आपको चाहिए और और साथ में टाइम जो होगी ठीक है कंफ्यूज मत होइए मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ इसका क्या था कि आप लोग को मालूम होना चाहिए टेंसेस के बारे में बेसिक सा अगर आपको वर्ब बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है मैंने इसीलिए थोड़ा सा आपको बता दिया देखो अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी टू बी वेरी एफिशिएंट इन द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वर्ब ठीक है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए आ जाएंगी ठीक है मैं आपको बता दूँ ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू डिटेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब मैं आपको बता दू कि आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और ट्रिक्स दे देती हूँ अगर साइंटिफिक फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे द सनराइजर्स इन द ईस्ट ठीक है द वॉटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है क्या यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इट ऑलवेज टेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक है डू राइट समवेयर कि अगर साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे या यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा और एस ओ री एस आपको ऐड करना है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस ओ री एस यू है वो यूज कर सकते हैं उसके बाद आपके जो इडियम्स एंड फ्रेस हैं जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस देख लीजिए यहाँ पर एस यूज हुआ हुआ है ये एक तो थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी यहां पर केस बन रहा है कि स्लो एंड स्टीडी है ठीक है बट इट मीन्स द सेम थिंग इसीलिए यहां पर आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज हुआ है और उसके साथ एस हमने यूज किया है और दूसरा केस ये भी है कि एक ईडियम है इसीलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस एन नी एस डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट यहाँ पर यह मत सोचिए कि एंड यूज किया हुआ है तो ये सब्जेक्ट दो है नहीं दे मीन द सेम थिंग इसीलिए यहाँ पर वर्ब आपका विंस यूज हुआ है जो कि सिंगुलर है ठीक है उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है इट टेक्स टू टू क्वारल तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट पर बेस्ड यहाँ पर क्या आ गया ये एक ईडियम है इसीलिए इसने भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया और सब्जेक्ट इट है इसीलिए यहाँ पर एस इसने लिया है टेक ने अपने साथ ठीक है अब बी का फॉर्म है कभी कभी सेंटेंस में आपको दिया होता है बी तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको बी का थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म पूछ रहे हैं उस केस में आपको डिपेंडिंग अपॉन द टेंस बी को इज एम आर के साथ वास वर्ग के साथ या भींग या बीन के साथ रिप्लेस करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट Take care. अब अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि इज एम आर कहाँ यूज करते हैं वास वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन की मैम अभी तक हेल्पिंग वर्ब्स भी नहीं क्लियर है आई विल ट्राई ब्रिंगिंग यू नो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ ऑन द सेम एस वेल ठीक है तो डेली डोजेस मैं uh, एक आपके साथ स्टार्ट कर सकती हूँ जिसमें आपको डेली डोज दे दिया करूंगी फाइव टू सिक्स मिनट्स की बेस्ड ऑन द टिप्स यू नो बेसिक बेसिक थिंग्स ऑन द ग्रामर लाइक यूसेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूजेज ऑफ सिंगुलर एंड वर्ब जो men, uh, जो कि कि पॉसिबल नहीं होता इफ़ वी आर डिस्कसिंग अ अब टॉपिक जैसे अगर हम लोग वर्ब डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ ये छोटी-छोटी चीजें एक्सप्लेन करना इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट सो यू मेंशन द कमेंट सेक्शन बेस्ड ऑन योर रिस्पांस आई ब्रिंग डेली डोज एस वेल ठीक है अगर आपको डेली डोज चाहिए तो आप वो भी मुझे बता दीजिए अगर मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट में यूज होंगे जैसे कैन मे विल या मस्ट वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे जैसे आई कैन टॉक इन इंग्लिश आई कैन वॉक इन इंग्लिश आई कैन डांस इन इंग्लिश द पॉइंट इज कि अगर आपके मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में यूज हुएंगे कैन ठीक है मे तो आपने क्या करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है लेकिन अगर आपके मॉडल्स जो हैं वो पास्ट टेंस में यूज हुए होंगे जैसे कुड वुड माइट आपको मालूम है ना कि ये मॉडल्स का पास्ट फॉर्म है तो वो हमेशा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं शी कुड हैव टोल्ड मी तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं अगर आपके मॉडल्स क्या हो पास्ट टेंस में हो उसके बाद पासिव वॉइस एक्टिव पासिव वॉइस है आपको मालूम है कि पासि वॉइस का एक रूल रहता है कि वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है जैसे आई वॉज हेल्प्ड बाय राम तो हेल्प यहाँ पर क्या है थर्ड फॉर्म है ठीक है उसी तरह से ए लेटर वॉज रिटन बाय मी तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा बिकॉज राइट है फर्स्ट फॉर्म रोट है सेकेंड फॉर्म और रिटन है आपकी थर्ड फॉर्म तो पासिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लेती है और परफेक्ट टेंस भी आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है आपने ये चीजें याद रखनी है ठीक है आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी तो ये जो तो थे आपके सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स इसके इलाहदा कुछ नहीं आपको याद रखना है होमवर्क जो आपको बोला है वो तो आपको करना ही है ठीक है यू कॉन्ट डिनाई द फैक्ट दैट यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑन टेंसेस यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑन थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मेरा काम रहा आपको करवाना और यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ मॉडल्स एसल ठीक है तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट uh, रहती है यू कैन मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन आई हेल्प यू ऑल ठीक है तो अगर आपका इतना सा क्लियर है तो चलिए ट्राई करते हैं वर्ब पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की मेरा मोटिव है कि मैं आपको अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस से फेमिलियर करवा दूँ ताकि आप लोग एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो या आपको फीलिंग ना आए ठीक है आपको यह ना लगे कि यह चीज कहां है तो मैंने तो कभी देखी ही नहीं ठीक है सो so आपको आपको इस तरह की की प्रैक्टिस करनी है मैं बता देती कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस यू नीड टू तो हैव होल्ड ऑन यहां पर हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फिलअप करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब मशन इन द ब्रैकेट आप लोग को अगर आंसर आता है डू द कॉमेंट सेक्शन मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए जस्ट ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट ठीक है यहाँ पर देख लीजिए द फार्मर डग द ग्राउंड टू डैश द ज्वेलरी विच रिमेन डैश फॉर मेनी ईयर्स आपको यहाँ पर हाइड वर्ब जो है वो यूज करना है सेंटेंस पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मेनी ईयर्स की बात हो रही है कि फार्मर ने डग किया था ग्राउंड ज्वेलरी को छुपाने के लिए देखो बात हो रही है कि छुपाने के लिए अभी वो छुपा रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हाइड हाँग की हाइड ही है द फार्मर डग द ग्राउंड टू हाइड द ज्वेलरी उसने ग्राउंड डग किया था ज्वेलरी को छुपा छुपाने के लिए विच रिमेन डैश फॉर मैनी ईयर्स और वो वहाँ पर छुपी रही बहुत सालों के लिए छुपी रही मतलब एक पास्ट की बात हो रही है वो आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होगा बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है कि छुपी रही हो सकता है वो अभी तक भी छुपी हो लेकिन आपका जो यहाँ पर टेंस है वो परफेक्ट टेंस यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर आई फॉर्म तो आपको नहीं दिख रही है कहीं पर भी यूज़ हुई हुई अगर वैसा होता अगर परफेक्ट अगर आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हैड होना चाहिए था हैड नहीं है इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी विच रिमेन्ड हिडन ठीक है एच आई डबल डी ई एन हिडन ठीक है तो जिसको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आते होंगे कि हाइड का थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हाइड हिड और हिडन रहता है तो उसके लिए तो कन्फ्यूजन होगा ही उसके लिए चाहे रूल्स उसको आते भी होंगे ना अगर उस किसी को नहीं मालूम होगा कि हाइड का थर्ड फॉर्म जो है वो हिडन है तो वो तो गलती करेगा ही ना ठीक है सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन केस ऑफ सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस व्हिच आर बेस्ड ऑन वर्ब ठीक है तो आपको वो करनी ही करनी है अगर नहीं आता है, मैंने आपको बोल दिया डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई अपलोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब फॉर यू ठीक है उसके बाद व्हेन द लोकल डॉक्टर कुड नॉट ट्रीट हिम ही वाज डैश टू द सिटी हॉस्पिटल देख लीजिए ही वाज यूज हुआ है मैंने आपको माल बताया था कि पास्ट टेंस में हम वाज यूज करते हैं और यहां पर आपको दिख रहा है कि सिंपल पास्ट की बात हो रही है कि उसको रेफर कर दिया गया था कर दिया

अच्छा यहाँ पर यहाँ पर ब्लैंक यहाँ नहीं है आई एम सॉरी ही वाज़ डैश इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम ही वास डैश इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम ब्लैंक यहाँ पर है और आपका वर्ब है स्वोर अगर आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो स्वर है अगर आपको बोले यहाँ पर किसी की किसी को कोई डेजिग्नेशन की बात हो रही है कि इसको वो डेजिग्नेशन दोबारा मिली तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर स्वर यूज किया है तो इसकी देखो यहाँ पर वास है ठीक है तो वॉस है तो पास टेंस है तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर का सेकंड फॉर्म क्या रहता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या रहता है स्वॉन ठीक है एस डब्ल्यू ओ आर एन स्वन द चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम तो ये तो आप लोग को यहां से क्लियर होना चाहिए कि यहां पर वॉस है ठीक है तो सिंपल पास टेंस यूज हो रहा है कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि आई एन जी फॉर्म नहीं है परफेक्ट नहीं है क्योंकि हैड या फिर क्योंकि पास टेंस है और हैड नहीं है ठीक है टेंसेज की नॉलेज होगी तभी होगा ना ये ठीक है अगला अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर स्पॉइल है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत बार पूछा जाता है वर् बेस्ड ऑन स्पॉइल क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्पॉइल का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम रहता है स्पॉइल्ड ठीक है स्पॉइल्ड लेकिन इसके साथ साथ हम लोग कभी कभी एडजेक्टिव स्पॉइल्ड यूज करते हैं बेस्ड ऑन द सेंटेंस ठीक है अगर वर्ब की बात करें तो वो स्पॉइल्ड ही है सेकेंड और थर्ड दोनों लेकिन स्पॉइल्ड एक एडजेक्टिव यूज करते हैं अगर हम लोग को दिख जाए कि वहाँ पर आगे जो मैंशन किया है वो एक नाउन है जैसे यहाँ पर आपको बता दूं चाइल्ड क्या है आपका नाउन है ना

कि बंटी इज अ डैश चाइल्ड ऑफ आवर नेबर्स एंड अ रियल तो यहाँ पर उसकी क्वालिटीज़ की बात हो रही है कि वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है तो हम लोग यहाँ क्या यूज कर सकते हैं स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ आवर नेबर्स ठीक है क्योंकि आगे मेंशन किया गया है चाइल्ड चाइल्ड इज नाउन और अगर यहां पर इसकी की मेंशन हो रहा है तो इसीलिए यहां पर स्पॉइल्ड एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है हम इसको स्पॉइल्ड यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है स्पॉइल्ड यहाँ पर आएगा आपका राइट आंसर स्पॉइल्ड रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर स्पॉइल्ड क्यों नहीं आया स्पॉइल्ड भी आ सकता था जैसे ही इज रियली स्पॉइल्ड ठीक है अगर वहाँ पर अगर फर्दर नाउन नहीं है साथ में तो ही इज रियली स्पॉइल्ड ठीक है ओ दैट चाइल्ड ही इज रियली स्पॉइल्ड ठीक है लेकिन चाइल्ड यहाँ पर नाउन है तो आप यहाँ पर स्पॉइल्ड यूज करेंगे ठीक है आप ऐसा याद रखिएगा अगर नाउन होगा आगे तो आप स्पॉइल्ड के साथ स्पॉइल्ड यूज करेंगे ठीक है He is the only person who has. देख लीजिए यहां पर perfect tense use हो गया है Who has? ठीक है present perfect tense. Present perfect tense. तो present perfect के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है बताया था ठीक है तो स्विम का जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या रहता है स्वैम स्विम का सेकेंड फॉर्म क्या रहता है स्वैम और थर्ड फॉर्म क्या रहता है स्वम ठीक है अब जिसको यही नहीं आता होगा तो वो कैसे इसको सॉल्व करेगा डियर फ्रेंड्स वो नहीं कर पाएगा इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ हैश यूज़ हुआ है यानी कि परफेक्ट टेंस यूज हुआ है परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इतना सा लिख लीजिए प्लीज साइड पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ स्वम अक्रॉस द चैनल ट्वाइस ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन देखो यहां पर क्या है वेन आई रीच द स्टेशन यहाँ पर बात हो रही कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी ठीक है द ट्रेन ट्रेन लेफ्ट ठीक है अब यहां पर क्या है द ट्रेन लेफ्ट आपको वर्ब में यूज हुआ है देखो ट्रेन जा चुकी थी ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट ठीक है तो मैंने आज से बोल दिया ट्रेन हैड लेफ्ट ठीक है ट्रेन हैड लेफ्ट ठीक है यहाँ पर आपका पास्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है ठीक है लीव लेफ्ट एंड लेफ्ट ही होता है थर्ड फॉर्म भी ठीक है तो यहाँ पर आ गया व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट ठीक है जा चुकी थी ना अभी जा गई थोड़ी सी जा चुकी थी यूज हुआ इसलिए परफेक्ट टेंस यूज हुआ है ठीक है अब देख लीजिए द एवरेज ह्यूमन बॉडी डैश टेन टाइम्स मोर बैक्टीरियल सेल्स देन ह्यूमन सेल्स ठीक है यहां पर मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ ये आपको सॉल्व करके बताना है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या आंसर आएगा मैं आपको बता दूं कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि एवरेज ह्यूमन बॉडी में टेन टाइम्स मोर बैक्टीरियल सेल्स होते हैं देन द ह्यूमन सेल्स ठीक है आपको एक कॉमन करके कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट right आंसर क्या रहेगा ठीक है एक क्वेश्चन देख लीजिए दे मस्ट हैव बेटर देन दिस यहाँ पर एक तो आपका मॉडल भी यूज हुआ है मस्ट ठीक है हैव डैश बेटर देन दिस आपका मस्ट आपको मालूम है कि यहाँ पर आपका मस्ट एक मॉडल भी यूज हुआ है लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर हैव यूज हुआ है यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है और क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है यहाँ पर हैव यूज हुआ है ना तो डू का क्या आएगा डू डिड और डन थर्ड फॉर्म क्या है इसका डन ठीक है तो आपको आना चाहिए कि दे मस्ट हैव डन ठीक है तो आप लोग देख लीजिए कि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब का ही यूज है सारा थोड़ा सा टेंस का थोड़ा सा थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स का टेंसेज रिवाइज करवा दिए याद रखना है कि परफेक्ट टेंस में जहां पर हैस हैड आता है वहां पर आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड ही यूज करना है ठीक है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई रियली लाइक द क्वेश्चन इसीलिए मैं यहां पर लिख के आई हूँ आपके लिए द फैक्ट दैट आई डैश द प्रेजिडेंट कॉलेज डेज इज डैश टू ऑल इट इज अ वंडर यू डिड नॉट डैश दिस ठीक है तो आपको तीनों जगह पर एक ही वर्ब यूज करना है नो no. लेकिन फॉर्म्स अलग अलग यूज करनी है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स द फैक्ट दैट आई डैश द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज पास्ट की बात हो रही है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगे क्योंकि यहां पर कहीं हैड नहीं दिख रहा है ठीक है आई न्यू द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज इज डैश टू ऑल ठीक है यहाँ पर क्या करें यहाँ पे आपका क्या आएगा इज नोन टू ऑल ठीक है सबको पता है जब आपको ये यूज करना हो कि मैं उसको पहले से जानता जानता उसको उसके कॉलेज दिनों से जानता हूँ जानता हुआ ठीक है तो यहाँ पर क्या आई है आई आई न्यू द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज इज नोन टू ऑल सबको पता है इट्स अ वंडर यू डिड नॉट ठीक है यू डिड नॉट नो दिस ठीक है तो जब आप लोग क्या बताते हैं कोई आश्चर्य की बात बताते हैं या फिर ये बताते हैं कोई आइडिया एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा वहां पर प्रेजेंट टेंस यूज होता है यहाँ पर या आप एक, ए, एक्सप्रेशन बता रहे हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आप लोग थोड़ा शॉक हो रहे हैं कि आपको नहीं पता था ये चीज़ ठीक है इसीलिए आपने यहाँ पर क्या लगा दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई ये आइडिया एक्सप्रेस करना हो या फिर कहीं पर भी आपको इस तरह से बताना हो कि जहाँ पर आप थोड़े शॉकड हो गए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं तो वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है ठीक है तो एक तो आपका हो सकता है कि इस तरह की एक्सरसाइज आए दूसरा एक चांसेस है कि आपको इस तरह से क्या बोला हो आपको एक एक्सरसाइज गिवन हो और आपको बोला हो कि इन सब ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज कीजिए ठीक है इस तरह की एक्सरसाइज भी आपकी वर्ब बेस्ड एक्सरसाइजेस में आ सकती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको मालूम हो कि व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस विच आई कैन सी इन द एग्जाम्स तो प्रीवियस ईयर पे जिस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पर बेस्ड मैंने आप लोग के लिए थ्रू थ्री एक्सरसाइजेस की मैलगमेशन बनाई है दैट विल हेल्प यू ऑल ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए डो नॉट डैश एनी रिमार्क्स अनलेस यू आर क्लियर अबाउट द मैटर ठीक है तो आपको मालूम है कि कोई भी रिमार्क्स नहीं बनाने चाहिए जब तक आपको मैटर के बारे में नहीं पता हो तो अगर आपको मालूम है तो हम क्या यूज़ करेंगे मेक टेल या से या स्पीक तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे मेक डू नॉट मेक एनी रिमार्क्स अनलेस यू आर क्लियर अबाउट द मैटर ठीक है तो ये इसके साथ फिक्सड आता है आपको यही वर्ब यूज़ करना है स्पीक का मतलब होता है बोलना से का मतलब है बोलो टेल का मतलब है बताओ मेक का मतलब बनाओ तो जब तक आपको मैटर के बारे में क्लियरली नहीं पता है तब तक आपको कोई भी रिमार्क्स एज इट इज नहीं बनाने चाहिए ठीक है डू नॉट मेक एनी रिमार्क्स अनलेस यू आर क्लियर अबाउट द मैटर ठीक है आई होप इट इज क्लियर ठीक है नेक्स्ट देख लीजिए ही ऑलवेज डैश हिज वर्क इन एफिशियंट वे ही ऑलवेज यहाँ पे क्या आएगा वो अपना काम हमेशा एफिशियंट तरीके से करता है ठीक है करते के लिए क्या यूज़ करते हैं डज ही ऑलवेज डज हिज वर्क इन एफिशियंट वे ठीक है

गुड बाय रिमाइंडिंग यू टू करेक्ट द मिस्टेक्स ठीक है उसने आपके साथ भला किया ठीक है आपको अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए बार बार बताने के लिए भला किया कर दिया है करना अभी कर रहे हो तो डू ठीक है कर दिया है तो डिड ठीक है डेड देखो प्लेयर तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो कि प्लेयर तो आ, नहीं आएगा ना यहाँ पर खेलना तो नहीं आएगा गॉट भी नहीं आएगा कुछ दिया भी नहीं है कुछ दिया भी नहीं है और मेड का आ गया कि कुछ बनाना ठीक है तो ये सब तो ऑप्शन यूज ही नहीं होंगे तो आपके लिए उसने अच्छा कर दिया ठीक है आपके आपको मिस्टेक्स क्लियर करने के लिए बार बार बोलने के लिए वी आर ऑल्सो डूइंग गुड फॉर यू तो वहां पर मैंने डू यूज किया है और यहाँ पर पास की बात हो रही है तो इसलिए डिड यूज हुआ ठीक है आई होप इट इज क्लियर वो देख लीजिए शी सो डिप्रेस दैट शी वॉन्टेड टू डैश सुसाइड देखो यहां पर आपको मालूम है कि पास्ट की बात हो रही है अब देखो यहाँ पर देखो टेक सुसाइड तो नहीं होगा सुसाइड लेना भी नहीं है ठीक है और सुसाइड चाहिए भी नहीं कहीं से खरीदना भी नहीं तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए डू सुसाइड और कमिट सुसाइड में आपको कंफ्यूजन होगी लेकिन आपको मालूम है कि डोंट कमिट सुसाइड हम लोग यूज करते हैं डोंट डू सुसाइड नहीं करते ठीक है सुसाइड कोई काम नहीं है सुसाइड इज एन एक्शन ठीक है सो so आपको हमेशा यूज करना है यहाँ पर कमिट ठीक है सुसाइड के साथ क्या यूज होगा कमिट याद रखो फिक्स रखो कभी भी सुसाइड यूज हुआ है अगर सेंटेंस में तो यू हैव टू यूज द वर्ब विच इज कमिट ठीक है नेक्स्ट देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव टू डैश आवर रिस्पेक्ट्स टू अवर एनसेस्टर्स देखो रिस्पेक्ट हमेशा क्या की जाती है देखो देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट ली थोड़ी जाती है एल्डर से ठीक है या फिर यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि तीन ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे पे रिस्पेक्ट मेक रिस्पेक्ट या गिव रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा आपको रहेगा मेक भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा पे में या गिव में आप कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन हम हमेशा अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट पे करते हैं ठीक है वी ओ देम रिस्पेक्ट ठीक है हम उनको रिस्पेक्ट देते नहीं है इट्स नॉट समथिंग वी हैव टू गिव देम बट वी ओ दैम रिस्पेक्ट बिलीव मी द एल्डर्स ओ रिस्पेक्ट अगर कोई आपसे एल्डर है तो वो ओ करता आपकी respect, है आपकी रिस्पेक्ट ठीक है यू हैव टू पे दैम द रिस्पेक्ट आप डेप्ट किसी को ओ करते हैं ना उसी तरह से आप रिस्पेक्ट अपने एल्डर्स को ओ करते हैं यू हैव टू पे दैम द रिस्पेक्ट तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है अगले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे ठीक है इफ येस डू मैं कॉमेंट सेक्शन नहीं है तो मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ डोंट वरी दे वर टू अफ्रेड टू डैश एनी टू एस्केप ठीक है दे वर टू अफ्रेड ठीक है वो बहुत डरे हुए थे कि वो कोई अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते थे बचने की ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए तो नहीं आएगा ठीक है ना गीव आएगा ठीक है तो डू या मेक आएगा ठीक है तो आपको मैंने जब मैंने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया हिंदी में तभी बता दिया कि वो इतने डरे हुए थे कि वो कोई अटैम्प्ट करना ही नहीं चाहते थे ठीक है दे डिन वॉन्टेड टू ठीक है आपको याद रखना है कि दे डिन वॉन्टेड टू मेक एनी अटैम्प्ट ठीक है तो यहाँ पर ये नहीं आएगा डू एनी अटैम्प्ट क्या आएगा मेक एनी अटैम्प्ट मेक एनी अटैम्प्ट क्यों आएगा क्योंकि वो कोई अटैम्प्ट ही नहीं करना चाहते थे ठीक है अब वो कि मैम डू एनी अटैम्प्ट क्यों नहीं आया देखो यहाँ पर मेक एनी अटैम्प्ट इसलिए आएगा बिकॉज इट्स अ फ्रेज ठीक है एज इट इज हम यूज़ करते हैं प्लीज मेक एन अटैम्प टू गेट सक्सीड इन एग्जाम ठीक है तो ये नहीं आता कि प्लीज डू एन अटैम्प्ट नो डू का मतलब होता है कि कोई काम करो ठीक है यू हैव अ वर्क और वो करो जैसे मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया कि डू क्यों आया काम के केस में आया ना तो यहाँ पर है मेक एनी अटैम्प्ट हम लोग अटैम्प्टन करते हैं ठीक है मेक करते हैं वी मेक अटैम्प्ट ठीक है वी डोंट डू अटैम्प्ट वी मेक अटैम्प्ट तो ये आपने याद रखना है अपने ब्रेन में यूज Fix it, ठीक है, विल नॉट डैश यू एनी गुड डैश एक्शन नाउ एंड यू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपने देखना है कि वरिंग विल नॉट डू या टेक यूज होगा कॉस या मेक यूज होगा ब्रिंग या डू यूज होगा देखो यहाँ पर आपको मालूम है वरिंग विल नॉट ब्रिंग यू एनी गुड अगर आप आप ऑप्शन पुटअप करके देख लीजिए कि अगर आपको लगता है कि वरिंग विल नॉट ब्रिंग यू एनी गुड डू डू एक्शन नाउ एंड यू मे बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम देखो एक्शन हम हमेशा मैंने आपको ऊपर ही बता दिया Attempt हम लोग क्या करते हैं? Make करते करते हैं, हैं हैं, ना, उसी तरह से हम लोग action हमेशा take करते हैं. याद रखिए ठीक है, we take action. है, There are certain things जिनके साथ कुछ fixation use होती है. Action हमेशा लिया जाता है वी ऑलवेज टेक एक्शन वी डोंट मेक एक्शन वी डोंट डू एक्शन डू हमेशा काम के लिए यूज होता है हम एक्शन हमेशा टेक करते हैं वी ऑलवेज टेक एक्शन तो यहाँ पर टेक से ही क्लियर हो गया वरिंग विल नॉट डू यू एनी गुड टेक एक्शन नाउ ठीक है एक्शन हमेशा लिया जाता है ठीक है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दीजिए कि वी ऑलवेज मेक अटेम्प्ट एंड वी ऑलवेज टेक एक्शन ठीक है इस तरह से आप लोग लिख लीजिए कहीं साइड पे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे बोलिए कि येस मैम वी ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट एंड वी ऑलवेज टेक एन एक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए ये वाला आई थिंक यहाँ पर एट क्वेश्चन है ये देखिए द नॉटी बॉय लाइक्स डैश ट्रिक्स ऑन अदर ठीक है तो आपको मालूम है कि ट्रिक्स हमेशा प्ले की जाती हैं ठीक है ट्रिक्स आर ऑलवेज प्लेड ठीक है तो ये भी आपको मैं बता दूँ ट्रिक्स आर ऑलवेज प्लेड ठीक है कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है दैट रिस्पेक्ट इज ऑलवेज पेड ट्रिक्स आर ऑलवेज प्लेड एक्शन इज ऑलवेज टेकन एंड अटेम्प्ट इज ऑलवेज मेड ठीक है ऐसे लाइन में लिख लीजिए ठीक है ट्रिक्स ऑलवेज प्लेड अटेम्प्ट इज ऑलवेज मेड एक्शन ठीक है ठीक है एक्शन हमेशा टेक किए जाते हैं ठीक है आई डिड नॉट नो आई डू नॉट नो हाउ दे डैश अ लिविंग देखो गेट तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा डू भी नहीं आता लिविंग के साथ यहाँ पर टेक भी नहीं आएगा तो क्या आएगा मेक ठीक है लिविंग लेते हो रही है यहाँ पर लिविंग है कि खाने पीने का इंतजाम कैसे करते हैं तो मेक अ लिविंग ठीक है If you do not dash halt to this, you will be punished. ठीक है हॉल्ट ठीक है अब देखो यहाँ पर give तो नहीं आएगा ना दीप नहीं आएगा और टेक भी नहीं आएगा लेना देना तो चल ही नहीं रहा आपको इसको चीजों को बंद करना पड़ेगा इस शरारत को बंद करना पड़ेगा नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ठीक है तो इफ यू डू नॉट पुट हॉल्ट ठीक है हॉल्ट मतलब यार पूर्ण विराम लगाओ यहाँ पर पुट हॉल्ट ठीक है इफ यू डू नॉट पुट हॉल्ट टू दिस ठीक है मेक हॉल्ट नहीं आएगा क्योंकि आप कोई चीज बना नहीं रहे हैं आपको किसी चीज को हॉल्ट करना है यू पुट हॉल्ट टू थिंग्स ठीक है इफ़ यू do नॉट पुट हॉल टू दिस यू विल बी पनिश्ड ठीक है आई होप इट इज़ क्लियर या फिर आपको एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ आ सकता है मैं आपको ट्रिक्स दे देती हूँ पैराग्राफ को कैसे सोल्व करना है आप ऑन ऑन सोल्व कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए आई विल चेक अप एंड आई पिन अप द आंसर्स एस वेल ठीक है तो आप हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ आ जाए पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको टेंस देखना है कि किस टेंस में पैराग्राफ को सॉल्व किया गया है जिस टेंस में आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसी टेंस में आपका पैराग्राफ एंड होगा दूसरा आपको मीनिंग बनाना आना चाहिए पैराग्राफ में से कि मीनिंग क्या बन रहा है यू कॉन्ट सॉल्व एनीथिंग अनलेस यू नो इट्स मीनिंग ठीक है तो आपको मैं बता दूँ कि पैराग्राफ जिस टेंस में स्टार्ट होगा उसी टेंस में ख़त्म होगा पैराग्राफ का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि हर सेंटेंस प्रिसीडिंग सेंटेंस से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होता है आप ऑन योर ऑन नहीं कर सकते कि पहले फिलअप में आपने प्रेजेंट टेंस यूज कर दिया दूसरे में पास कर लिया तीसरे में फ्यूचर परफेक्ट में चले गए ठीक है सो यू नीड टू हैव दैट मच ऑफ डिस्टिंगशन कपेसिटी इन केस ऑफ अटेम्प्टाइज ठीक है तो यहां पर देख लीजिए मैनी फिश फाइट विद ईचरिंग सीजन तो यहाँ पर बोला है कि फिशेस एक दूसरे के साथ फाइट करती है ब्रिडिंग सीजन में तो एक जनरल स्टेटमेंट बताई जा रही है तो प्रेजेंटेंसी यूज होगा ठीक है जनरल स्टेटमेंट बतानी है तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटेंस ही यूज होगा हाउ एवर वन टाइप ऑफ फिश डैश इन था लैंड इस फर्सियर दें मोस्ट ठीक है बता दें कि एक तरह की फिश जो मिलती है किसी जगह पर ठीक है जो किसी जगह पर मिलती है ठीक है एक जगह पर एक uh, फिश मिलती है वन टाइप ऑफ फिश डैश इन थाईलैंड इज fiercer देन मोस्ट ठीक है द फिश डैश फाइटिंग फिश फिश को बोलते हैं फाइटिंग फिश तो क्या आ जाएगा द सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा द फिश इज कॉल्ड ठीक है सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा द फिश इज कॉल्ड ठीक है हाउ एवर वन टाइप ऑफ फिश ठीक है यहाँ पर आपको याद रखना की एक तरह की फिश मिलती है वन टाइप ऑफ फिश फाउंड इन थाईलैंड ठीक है कहाँ मिलती है वो फिश थाईलैंड में मिलती है इट इज फेयरसियर दैन मोस्ट दिस फिश इज कॉल्ड फाइटिंग फिश इफ टू मेल फिश ठीक है थर्ड लैंक में क्या आ जाएगा आर पुट टूगेदर ठीक है इफ टू मेल फिश देखिए प्रेजेंट टेंसी यूज हो रहा है इफ टू मेल फिश आर पुट टूगेदर दे विल फाइट अंटिल वन ऑफ देम अंटिल वन ऑफ देम इज किल्ड ठीक है जब तक एक को मार नहीं देते प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज होगा ना जब तक एक मर नहीं जाती तब तक वो क्या करते हैं फाइटिंग करते रहते हैं ठीक है तो मैंने फाइव आपके लिए सॉल्व कर दिए नेक्स्ट फाइव आपको सॉल्व करने हैं मैंने बता दिया प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की अगर वहां पर आपका परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करना पड़ता है जैसे यहाँ पर है कि वन टाइप ऑफ फिश जो मिलती है ठीक है विच इज़ फाउंड इन थाईलैंड तो कंफ्यूज नहीं हो जाइए कि यहाँ पर फाउंड क्यों यूज़ किया बिकॉज विच इज़ फाइंड नहीं आएगा क्योंकि वो मिलती है अर्लियर भी फाउंड होती थी आज भी फाउंड होती है वहां पर पाई जाती है तो यहाँ पर फाउंड का मतलब पाई जाती है ठीक है तो यहाँ पर इज कॉल्ड तक मैंने आपको बता दिया इस फिल्ड तक मैंने आपको बता दिया उसके बाद ब्लैंक नंबर फाइव से ब्लैंक नंबर टेन तक आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए थोड़ा दिमाग लगाइए टेंसेस को रिवाइज कीजिए थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स को लर्न कीजिए इन्हीं 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 वर्ड्स की जैसे स्टिक हो गया बी हो गया ब्रीद हो गया बी में कौन सा फॉर्म आप लोग यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो आपको देखना है कि मैं यहाँ पर नाइन्थ ब्लैंक में यहाँ पर बी फॉर्म ऑफ वर्ब है मैंने ट्रिक्स में बता दिया है कि आपको इज एम आर यूज़ करना होता है प्रेजेंट के केस में तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए ब्लैंक नंबर फाइव से ब्लैंक नंबर टेन जो है सेक्शन सी की आप खुद सॉल्व कीजिए और कॉमेंट कीजिए कॉमेंट सेक्शन में कि मैम दी ज्यादा आंसर्स आई चेक इट अप एंड डोंट वरी दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन वर्ब जो आपका सेकेंड लेक्चर आएगा ऑन वर्ब यू विल भी इवन मोर क्लियर एंड उसके बाद जो आपका होमवर्क है प्लीज़ डू यूर होमवर्क आप लोग प्लीज़ वहाँ पर जो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उन लोग उनको देख लीजिए टेंसेस को रिवाइज कर लीजिए तभी आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आएगा फिर भी अगर समझ नहीं आता डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन की मैम हमको इम्पॉटेंट थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करवा दो और टेंसेज पर भी डेली डोजेस दे दो ठीक है इफ़ यू नीड डेली डोजेज डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन आई एल बी देयर डोंट वरी ठीक है आई होप Uh, today's lecture was understandable and if you like the video do comment in the comment section ki yes ma'am we are liking the content and please provide more content and if you want to make any changes to the way i teach i'm very amenable you can mention the comment section as well Theka, i hope you are learning and you are practicing uh, practicing so keep learning and keep supporting thank